नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। हमीरपुर जिले के कंपोजिट विद्यालय बख्शा में विद्यालय के अंदर हाई टेंशन लाइन का लगा ट्रांसफार्मर मौत को दावत दे रहा है। अध्यापक और यहां पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के सपोर्ट तार में करंट आता ही रहता है, जिससे कभी भी विद्यालय के अंदर बड़ा हादसा हो सकता है। विद्यालय आने वाले बच्चों को हर वक्त हाई टेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर से करंट लगने का खतरा भी बना रहता है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बख्शा का है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, जिसमें विद्युत विभाग द्वारा विद्यालय के ग्राउंड में हाई टेंशन लाइन का ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसके खंभों और सपोर्ट तारों में करंट भी आता रहता है। विद्युत विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर में सुरक्षा घेरा भी नहीं लगाया गया। विद्यालय के अंदर हाई टेंशन लाइन का ट्रांसफार्मर बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा बना है। हाई टेंशन लाइन के करंट से विद्यालय के अंदर किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा और करंट को लेकर कई बार विद्यालय के अध्यापकों ने शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। छात्रों ने बताया कि विद्यालय के अध्यापक छात्रों को हाई टेंशन लाइन ट्रांसफार्मर के कारण विद्यालय के मैदान में घूमने के लिए मना करते हैं। उनका कहना है कि पहले ही कुछ लोगों को करंट का झटका लग चुका है। देखिए अमित नामदेव की रिपोर्ट। यहाँ ये 11,000 की लाइन निकली हुई है और ये विद्यालय के ग्राउंड के अंदर जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा, उसको लेके क्या समस्याएं आती हैं? इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। कभी हमको करंट आ जाता है, तार टूट जाता है, बच्चों को देखना पड़ता है, भोजन करने में, बच्चों को खेलने में, तमाम तरह की। और इसकी शिकायत भी हम कर चुके हैं। किस किस विभाग से शिकायत की थी? विद्युत विभाग से आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? लगभग कब की शिकायत कर चुके हैं? इनको रिसीव भी कराया। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला ना? अब 2 साल हो गए कि कोई नहीं कुछ सुन रहा है। अगर इस विद्यालय में कोई हादसा होता है बच्चों के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बिजली विभाग जाने, हमें क्या मतलब? क्या दिक्कत आती है हम लोग को यहाँ खेलने में? सर, हम जब इधर पर खेलते हैं तो नहीं, ये इसका डर रहता है कि करंट ना उतर, करंट उतारा अगर कोई दिक्कत ना हो रहा है, इसलिए हम लोग खेलने में भी डर रहता है। बारिश का समय आ रहा है, इसलिए करंट को लेकर बहुत दिक्कत पड़ रही है। बहुत दिक्कत होती है। और क्या होता है जब आप ग्राउंड में यहाँ खेलते हो, तो क्या उस तरफ जाने को मास्टर लोग मना करते हैं? जी सर, लोग बहुत मना करते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं चले जाएं और तार को पकड़ लिया तो नहीं दिक्कत हो जाती। नाम है तुम्हारा? अजय। क्या क्या दिक्कत है? यहाँ पर लाइट के तार निकले, बारिश का मौसम है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्चे एक दो के साथ पकड़ लें तो समस्या आ जाती है। सर मना करते हैं वहाँ पर जाने के लिए। और तो फिर तुम लोग इस ग्राउंड में कैसे खेलते हो? क्या दिक्कत होती है खेलने में? क्या दिक्कत आती है सर जी? खेलने में यहाँ तो जाना नहीं। तो छोटे जरा कम जगह पे खेलते हो फिर तुम लोग? फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।